गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग डॉक्टर, मेरा नाम मनीष है। अच्छा, और मैं आप ही के अपार्टमेंट में रहता हूँ, सेकंड फ्लोर पे। ओ, आपने देखा भी होगा मुझे। कैसे आना हुआ मनीष? डॉक्टर, बात दरअसल ये है कि मुझे आपसे कुछ सलाह भी करनी है और कुछ बातें अपने बारे में बतानी भी है। हाँ तो पूछो, क्या पूछना है? डॉक्टर, मेरी शादी हुई थी अभी एक साल पहले, और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है जी। और उसका तकरीबन 3 महीने का बच्चा पेट में है। अच्छा, मैं हर चीज़ से खुश हूँ। मेरे पास सब कुछ है, अच्छा परिवार, अच्छी जॉब और अच्छी वाइफ और एक अच्छा बेबी भी मिलने वाला है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है मनीष? प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर, मैंने आज तक बचपन से लेकर अभी तक कभी भी किसी लड़की की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा। अच्छा, जो मेरे हिस्से का प्यार था वो मैंने अपनी वाइफ को ही दिया, और उससे ही प्यार करता हूँ, वो उसके प्रति वफादार हूँ और रहूँगा हमेशा। ये तो बहुत अच्छी बात है मनीष। बस मैं थोड़ा सा, आप कहो तो सेक्सी कहो या कुछ भी कहो, मेरा रोज सेक्स करने का मन करता है। और अब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, 3 महीने का उसके पेट में बच्चा है, तो अब वो हफ्ते 10 दिन से मुझे बिल्कुल पास नहीं आने देती। यहाँ तक कि जब मैं रात को ऑफिस से जाता हूँ ना, वो मुझसे पहले सो जाती है। और कभी कभी मैं शुरुआत करता हूँ प्यार करने की, तो बिल्कुल वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है, एकदम झल्ला जाती है और कहती है खाना खाओ सो जाओ। जब हम दोनों एक साथ सोते हैं तो यहाँ तक नौबत है कि वो मुझसे पीट करके सो जाती है। उसे पता ही नहीं मैं कब सोया, सुबह कब उठा। और जब मैं उससे बात करता हूँ तो साफ साफ कह देती है कि जब तक हमारा बच्चा नहीं होगा हम सेक्स नहीं करेंगे। लेकिन मैं तो सेक्स के बिना रह ही नहीं सकता, मुझे कम से कम, मुझे तो रोज़ सेक्स करने की आदत है। ओह, तो मनीष तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर क्या होता है मनीष कि जब शादी होती है तो लड़की का दिमाग सिर्फ अपने हस्बैंड की तरफ होता है और उससे वो बहुत खुल के प्यार करती है। हाँ, शादी के पहले वो मुझसे ऐसे टूट के प्यार करती थी मानो कि बस सारी खुशियाँ मिल गई हो। हाँ, फिर प्रेग्नेंट होने के बाद में औरत के हार्मोन्स चेंज होते हैं, उसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं, सेक्स की तरफ रुचि कम हो जाती है और सारा ध्यान उसका जितना कॉन्सेंट्रेट करती है वो सिर्फ अपने बच्चे की तरफ करती है, वो बट जाती है, कहने का मतलब ये है। और सेक्स करने में कोई बुराई नहीं है, प्रेग्नेंट औरतें सेक्स नहीं करती ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, करना चाहिए लेकिन बड़ी सावधानी के साथ। तो वो मुझसे क्यों नहीं करती मनीष? ऐसा होता है कि वो कहीं इनसिक्योर फील करती हो कि अगर हम लोग रिलेशन बनाएंगे तो मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, हो सकता है उसने कहीं कुछ सुन रखा हो जो उसके जहन में उतर गया हो और आपसे ना बांट पा रही हो वो चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें एक औरत के जीवन में होती है मनीष। तो ऐसा कब तक मेरे साथ नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी, कम से कम 6-7 महीने की ड्यूरेशन में आप सेक्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, एहतियात के साथ, क्योंकि उस वक्त बच्चा अपनी पूरी ग्रोथ कर चुका होता है। कई बार क्या होता है कि 9 महीने में बच्चा पैदा ना होके कई बार 7 महीने में भी हो जाता है, प्री मेच्योर बेबी उसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो जीवित नहीं रहते, वो जीवित रहते हैं क्योंकि वो पूरी ग्रोथ कर चुके होते हैं, सिर्फ उनका टाइम पूरा नहीं होता है। तो उस दौरान 7 महीने के बाद सेक्स करना बंद कर देना चाहिए। 7 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसी हरकतें ना करें जैसे कई बार होता है कि ड्रिंक करके आए, आपको पता ही नहीं है, नशे में है कि आप अपनी बीवी के साथ क्या कर रहे हो, कितना सेक्स कर रहे हो, कितना उसको इरिटेट कर रहे हो। आप नॉर्मल रहो, अपनी बीवी के साथ आओ, प्यार करो और आराम से, सावधानी से, ताकि ना तो बेबी पे कोई असर पड़े ना ही वाइफ पे, ठीक है? डॉक्टर, एक सवाल हो रहा है मेरा। हाँ, अब जैसे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, लेडी जब प्रेग्नेंट हो उसके साथ कब तक सेक्स करा जा सकता और कैसे सेक्स किया जाए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है मनीष, इसकी जानकारी हर मर्द को होनी चाहिए। देखो, जब आपकी बीबी प्रेग्नेंट होती है 6 महीने के बाद तक तो नॉर्मल आप सेक्स कर सकते हैं, लेकिन कभी कई बार मर्द का मन होता है कि कभी रिलेशन बना लो
तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ, ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा एक लेडीज को पुश नहीं करना चाहिए जब आप सेक्स कर रहे हो, तो उसे पुश नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका सारा असर उसकी बेबी पर होता है। अच्छा, मैं अपना वजन उसके ऊपर, हाँ बिल्कुल, पुश ना करें आप, उसे दबाव ना दें उसके ऊपर, क्योंकि उसके अंदर एक जीव होता है जो उसी के थ्रू सांस ले रहा होता है, दुनिया में आने के लिए तैयार हो रहा होता है। और सेक्स बच्चा होने के बाद मैटर वो करता है कि आपका बेबी सिजेरियन है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उस पर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है मनीष। अगर आपकी बेबी ने नॉर्मल डिलीवरी की है तो आप 1.5 महीने तक परहेज कर सकते हैं, उसके बाद में आप जो है ना रिलेशन बना सकते हैं। अगर उसका बच्चा सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, तो आपको कम से कम 3 महीने का परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त एक औरत की मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, ऑपरेशन के बाद वो बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। अगर आप थोड़ा सा संतुष्टि कर सकें या अपने आप पे कंट्रोल कर सकें, तो अगर आप 6 महीने का परहेज कर दें, उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी, कोई भी आपको सोचने की समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मज़े से इंजॉय कर सकते हैं और अपनी मैरिड लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर, एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे, जो आपकी बातें सुन सुनकर एक सवाल और उमड़ आया। पूछिए मनीष। अब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, हाँ। 3 महीने का बेबी उसके पेट में, अगर मेरी उसके साथ सेक्स करने की इच्छा है और वो मान लीजिए अभी तैयार नहीं है और मेरी बातों से तैयार हो जाती है, तो मैं उससे किस तरीके से सेक्स करूँ? अभी तक तो आपने बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पर अगर करूँ तो किस तरीके से करूँ? हाँ देखो, उसको बिस्तर पे धीरे से लेटा के और हल्के हल्के आप अपने लाइफ ऑफ पार्ट को जो है आपका जो लिंग है उसे हल्के से उसकी योनि में डालेंगे, धीरे धीरे से पुश करेंगे। औरत को कोई भी ऐसा ना हो कि वो ऊंची जगह या नीची जगह है, या फिर आप उसको हल्का सा करवट दिला के भी उसके साथ में सेक्स कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करवट, हाँ, लेकिन आप पैर उससे कर रहे हैं या फिर मोड़ के पैर किया है आपने, या आप ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, जब सेक्स की चरण सीमा आ जाती है तो अपने आप ही सेक्स करते वक्त धक्के तेज हो जाते हैं, तो मेरा पूछना ये जरूरी है आपसे कि धक्के तेज मार कर कोई उसको हानि तो नहीं हो सकती है? हाँ। धीरे करूँ कैसे? नहीं मनीष, उस वक्त आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा और आप अपने डिस्चार्ज होने तक बहुत नॉर्मल तरीके से उसे पुश करेंगे, धक्का मारेंगे, और उसके बाद में आप कोशिश करें कि उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो, आप अपने आप पर कंट्रोल रखें। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर, एक बात और पूछना चाहूँगा मैं। पूछिए। जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनका ऐसा तो नहीं है कि उनको भी डिस्चार्ज कराना ज़रूरी है उस वक्त, क्योंकि फिर मैं अपने आप में गिल्टी महसूस करूँगा, मैं तो हो गया, क्या वो प्रेग्नेंट के समय डिस्चार्ज होती है या नहीं होती? नहीं, औरतें डिस्चार्ज हो जाती हैं, लेकिन अगर वो डिस्चार्ज होने की वो रखती हैं तो उसमें उन पे बेबी पे जोर पड़ सकता है, उसके पूरे पेट पर असर हो सकता है, दर्द होगा उसे, इसलिए कोशिश करें कि आप खुद डिस्चार्ज हो, उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि उनकी रुचि उस वक्त सेक्स की तरफ नहीं, रुझान ही नहीं होता है, इसलिए वो कभी कोशिश नहीं करती कि मैं भी डिस्चार्ज हूँ। आप ध्यान रखना इस चीज़ का। डॉक्टर, आपकी सारी बातें मेरे समझ में आ गई है, लेकिन 3 बातें मैंने अच्छी तरीके से गांठ मान ली है। क्या? पहली बात, सेक्स करते वक्त उत्तेजना बिल्कुल नहीं दिखानी, बिल्कुल, और जहाँ तक हो सेक्स कम करूँ। हाँ। तीसरा, मैं उसे प्यार दूँ, ना कि जबरदस्ती का, बिल्कुल। और डॉक्टर, इन सब बातों से मुझे लगता है तभी मैं सुखी जीवन जी पाऊँगा। बिल्कुल मनीष। और अगर मैं आपके पास नहीं आता तो शायद मेरी लाइफ खराब हो जाती। नहीं मनीष, आप सारी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा, आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी, आपकी पत्नी भी आपसे बहुत खुश होगी, और जो अभी आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, आप देखना बेबी होने के बाद वो कोऑपरेट करेगी, क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। अब मेरा भी एक वादा है, मेरी वाइफ की डिलीवरी आप ही के हाथ से होगी। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।